मॉर्निंग. मैंने ना कुछ कपड़े अभी ऑनलाइन मंगवाए थे एंड आई नो पैंडेमिक चल रहा है, शॉपिंग नहीं करनी है. एंड मैं कोशिश कर रही थी कि नहीं मंगवाने, लेकिन मैंने जो लास्ट बैच ऑफ कपड़े मंगवाए थे, जो मुझे फिट आ रहे हैं, वॉज बैक इन 2019, वो भी बिगनिंग ऑफ 2019, जब मैं प्रेगनेंट हुई थी शानवी के साथ. तो मैंने तभी काफ़ी सारे कपड़े मंगवा लिए थे प्रेगनेंसी में पहनने के लिए, पोस्ट प्रेगनेंसी में पहनने के लिए. तो वो सब मेजरली मटर्निटी वेयर है. इनफैक्ट इवन अभी जो है मैंने ड्रेस पहनी हुई है, ये मटर्निटी वेयर है. एंड उसके बाद मैंने ज़्यादा शॉपिंग की नहीं 2020 में. स्टार्टिंग ऑफ 2020 सारा लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था. अब 2021 आ गया है, आधा ऑलमोस्ट 2021 भी हो गया है. तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कपड़े खरीदने के. बट अब मेरे कपड़ों की हालत बहुत बुरी हो रही है, फटे हुए हो रहे हैं, फेडेड हो रहे हैं. एंड आप लोग अगर मेरी वेट लॉस जर्नी फॉलो करते हो तो फिर आपने देखा होगा मैंने 10 किलो भी वेट कम किया है, तो थोड़े ढीले भी हो रहे हैं. प्लस मैक्सिमम कपड़े तो ऑब्वियसली यू नो ऐसे होते थे बाहर जाने के लिए, जीन्स पहन ली, टॉप पहन लिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब अब घर पे ही है यार, तो वो सब क्या पहनूं. तो अब मैंने वो कपड़े मंगवाए हैं जो मैं घर पे पहन सकती हूं. एंड बहुत ज़्यादा नहीं मंगवाया बट हाँ थोड़े बहुत मंगवाए हैं घर पे पहनने के लिए. एंड थोड़ा यू नो नए कपड़े पहनो, थोड़ा फील गुड फैक्टर लगता है. और आजकल सीरियसली लाइक सिचुएशन सब जगह ऐसी हो रखी है ना कि जिस भी चीज़ से आपको फील गुड लगे ना वो करना चाहिए. तो ये सारे कपड़े कम से कम 5 दिन पहले से आए हुए हैं, तो मैंने टच नहीं किया था सैनिटाइज करके. अब मैं आपके साथ खोल रही हूँ इनको. मैंने इस बार नायका फैशन से मंगवाए थे. यूजुअली मैं हमेशा मिंत्रा से मंगवाती हूँ, बट पता नहीं इस बार मैंने लॉग इन किया, मुझे कुछ ढंग का मिला नहीं मिंत्रा पे. तो ये मैंने नायका फैशन से मंगवाए हैं सारे कपड़े. अब मुझे पता नहीं इनकी फिटिंग विटिंग कैसे होगी क्योंकि फर्स्ट टाइम ही मंगवाया है. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस. ये है एक ब्रांड विच इज कॉल्ड रेन एंड रेनबो. और मुझे बड़ी प्रिटी लगी थी ये कुर्ती स्लैश ड्रेस. अच्छा ये नया मंगवाया है, ठीक है ना, नया, ठीक है, पतली लग रही, सही लग रहा है. नेक्स्ट वी हैव दिस. ये है कौन से ब्रांड की है ये? दिस इज फ्रॉम जुनिपर. जुनिपर की, जुनिपर ही बोलते हैं ना इसको, जुनिपर. जुनिपर के कपड़े मैंने मिंत्रा से पहले भी मंगवाए हुए हैं, अच्छे होते हैं. और अगेन इसमें वही पंगा है. मुझे लगा ओपेक इनफ होगी कि नीचे लाइनिंग या कुछ पहनना नहीं पड़ेगा, बट ये तो ज़्यादा ही ट्रांसपेरेंट है. मतलब अच्छी है बट ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, देखते हो ये रिटर्न हो सकती है. तो ठीक है ये अजीब सा, ठीक है मैचिंग मैचिंग हो गए ये, ठीक है. ये मुझे अजीब लग रहा है, नहीं हाँ वापस हो जाएगा, ये न्यू है. हाँ ठीक ठीक है. ऑल द व्लॉगिंग क्लास है क्योंकि व्लॉगिंग में ये पोर्शन दिखता है ना, तो लाइक ड्रेस्ड अप लगेगा. ये नहीं लग रहा ट्रांसपेरेंट है, इट्स अ ड्रेस. देन मैंने कुछ पजामास मंगवाए थे. दिस इज नायका का नाइक करके जो ब्रांड है ना, वो पहन के देखना पड़ेगा फिट आएगा या नहीं. आ जाएगा. कलर देखो कितना प्रिटी है. एंड इसी से मैचिंग मैंने टॉप मंगवाया था. तो बेसिकली बिल्कुल प्लेन टी शर्ट पजामा. एक और है क्योंकि आजकल यही चल रहा है ना, घर में टी शर्ट पजामा ही पहनते हैं यार हम लोग मेन. एंड ये भी लाइक एक लूज शॉर्ट्स टाइप पजामा, केपरी स्टाइल पजामाज है. जो पिंक टी शर्ट और पजामा और शॉर्ट्स लाइक केपरी स्टाइल था वो सब मैं रिटर्न कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बॉडी टाइट है. एंड नॉट जस्ट दैट, वो उस टाइप का फैब्रिक है जो क्लिंग करता है ना बॉडी को, तो सारे लाइक सबको सारे पार्ट्स ऑफ योर बॉडी दिखते हैं, तो इट्स जस्ट वियर्ड. तो वो मैं रिटर्न करने वाली हूँ. बट ओवरऑल मैं 2 कुर्ती रखने वाली हूँ. आई थिंक वो जो जहाँ पे इसका यहाँ पे बहुत सारा प्रिंट था जो मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आई थी, वो भी मैं रिटर्न करती हूँ क्योंकि मैंने रख भी ली ना, क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं आया ना फर्स्ट इंस्टेंट में, मैं पहनूंगी नहीं, वो ऐसे पड़ी रहेगी अलमारी में, मैं पहनूंगी नहीं. तो 2 जो मुझे सबसे बेस्ट लगी है, ऑरेंज वाली और सी ग्रीनस जो है, तो सारा नहरा हो गया, वो रख लूँ बस. लंच में मेरा सैलेड है, तो आज मैं मिक्स सैलेड बना रही हूँ. उसके लिए मैंने ले लिया है चाइनीज़ कैबेज, बेजल लीव्स, लेटिस, कॉर्न,
मशरूम, अनियन, ब्रोकली, खीरा, कुकुम्बर, कैरेट और तीनों तरह की कैप्सिकम। इसे मैं छोटा छोटा काटने वाली हूँ। मशरूम्स को मैं काट के थोड़ा सा सॉटे भी कर लूँगी। और ये फ्रोजन कॉर्न है तो इसको मैं पानी डाल के माइक्रोवेव में एक बार हीट कर लूँगी। एंड बाकी सारी चीज़ें छोटा छोटा काट के बस मिक्स करना है। सैलड ड्रेसिंग के लिए मैंने थोड़ा सा सॉल्ट और चिली फ्लेक्स ले लिया एंड मैं हल्का सा ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ उसमें। तो मैंने अभी टेस्ट करके देखा, मुझे हल्का सा कुछ मिसिंग लग रहा था, जिसमें मैं जरा सा हनी डाल रही हूँ, लाइक एक चम्मच, टू मेक इट अ लिटिल स्वीट। यस, टू मेक इट अ लिटिल बिट स्वीट। दैट्स इट, हमारा सैलड इज रेडी। एवरी गुड से लगा? यस, दिखाओ कुछ। अभी हम ओरिगैमी कर रहे हैं थोड़ा सा। अरे भी फिशेस बना रहे हैं। मोर फिश अभी बनाते हैं। इनको पहले यहाँ पे चिपकाओ, फिर इनकी टेल्स बनाएंगे। ये टेल है, ओके। That's because it's a sharper fish. Okay. Can I make the tail of the yellow one? Yes, but just like this one. Okay? No, I'm making it a little different. Okay. Now get your colors and color this and color the water as fast. What is the shark doing? मैंने पता नहीं कितने सदियों बाद आज मेकअप लगाया, एंड वो भी इसलिए लगाया क्योंकि शानवी ना मेरे मेकअप स्टफ को छेड़ रही थी, एंड वो ऐसे देख रही थी कि लाइक मेकअप क्या होता है टाइप, वो मेरे से काइंड ऑफ लाइक पूछ रही थी एंड स्टफ। तो मैंने कहा चलो उसको आज लगा के दिखा देती हूँ। अरे वीर ट्राई करा, हमने खत्म कर लिया अपना काम, दिखाओ। तो अभी आफ्टरनून हो रही है, खाना वाना हो गया है। मैं मम्मा स्कूल कर आई थी आर्यवीर को। मम्मा स्कूल बेसिकली इज़ लाइक मैं कुछ कुछ पढ़ाती रहती हूँ आर्यवीर को, तो इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, काफ़ी कुछ हम करते रहते हैं, तो वही कर रहे थे अभी। एंड आर्यवीर ने आए आर्ट एंड क्राफ्ट दिखाए थे। The anglerfish looks so cool. Yes, it looks very nice, Arivir. Good job. And आप लोगों को मैंगो अपडेट देना था मुझे, बहुत सही हो रहे हैं मैंगो। कुछ तो हमें लग रहा है जब आंधी तूफान आए थे तो नीचे गिरे थे और लोग उठा के ले गए, बट इस बार लग रहा है सिर्फ पके हुए आम फर्स्ट टाइम खाने को मिलेंगे हमें, वरना ना लोग बहुत ज़्यादा लोग तोड़ने लगते हैं आम को, और कभी भी हमने पके हुए आम अपने पेड़ के नहीं खाए, हमेशा हमें भी कच्चे ही तोड़ने पड़ते हैं, वरना हमें तो वो भी नहीं मिलते। इस बार लग रहा है पक जाएंगे और पके हुए खाने को मिलेंगे, देखते हैं। दशहरी वाला है तो होंगे भी बड़े से डिलीशियस। व्हाट इज दिस? कैरेट। आप बताओ कहाँ लगेगी कैरेट? यस, यहाँ पे इसको हम ऐसे घुमा के ही लगाएंगे। व्हाट इज दिस? कॉलीफ्लावर। वेरी गुड। सारे निकाल के इसमें डालो। सर व्हाट इज दिस? आलू। पोटैटो। व्हाट इज दिस? बंदर। लौकी। व्हाट इज दिस? ब्रिंजल। व्हाट इज दिस? लेडी फिंगर। हाँ, what is this? Radish, yes. What's happening? Do you want mama to help? Shanvi. Okay, Shanvi करेगी. Necklace. Necklace बना रहे हो आप? बनाओ. Red किस चीज से होता है? आप guess करो, red रोटी मम्मा कैसे बनाएगी? Red टमाटर? नहीं, टमाटर से तो नहीं बनाऊंगी. Mango. नहीं, mango red color का होता है. बीटरूट बीटरूट की रोटी। Excited? बच्चों के डिनर में बना रही हूँ आलू गोभी एंड बीट रूट की रोटी।
से दर्दर ही है, हल्का सा पानी डाल के फिर से इसको पेस्ट टाइप कंसिस्टेंसी कर दूंगी मैं। इसका आटा गूंदने के लिए क्या करना है, आपको बीट रूट लेना है जो आपने पेस्ट बनाया है, बस में पानी वानी कुछ नहीं डालेंगे, बीट रूट का जो पानी है ना उसी से गूंदना है आटा, लाइक जो पेस्ट है इसी से आटा गूंदना है। चाहो तो हल्का सा नमक डाल लो इसमें, नहीं डालो तो नहीं भी डाल सकते, अजवाइन नमक डाल लोगे तो पराठा इसका अकेले का भी अच्छा बन जाएगा। साथ में मैं अपना टमाटो सूप रख रही हूँ बनाने, मेरे डाइट में टमाटो सूप है आज, इसलिए मैंने टमाटर ले लिया ढेर सारे और एक बीट रूट और थोड़ी सी अदरक, आधी अदरक डालूंगी इसमें से, यानी बस बॉईल कर दूंगी अभी। छोले भटूरे नहीं है, रोटी और सब्जी। ईशानी आपको रोटी और खानी है हाँ, गोभी भी और रोटी भी, दो खा चुके, तीसरी रोटी मांग रही है। आपको इतनी पसंद आई बीटरूट रोटी, दोनों बच्चों को इतनी ज़्यादा पसंद आई बीटरूट रोटी, ईशानी तीसरी पे आ रही है, चौथी पे लाइक बड़ा अच्छा लग रहा है। प्लीज़ अपने बच्चों के लिए ट्राई करना, ठीक है? मैं तीसरी मतलब आप चौथी खा रहे हो, फोर्थ खा रहे हो, थर्ड खा रही है अपनी। यार अभी भी स्पीड से खा रही है, मतलब अच्छी लग रही है। और अरे वीर भी हाँ, गोभी अभी खा रहे हैं दोनों, बड़े अच्छे से दोनों को लगता है गोभी आलू भी बड़े पसंद आए हैं। हाँ गोभी गोभी। चलो गाइज अब मैं ब्लॉग बंद करती हूँ, जाके मेकअप रिमूव करती हूँ, बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ कि सुबह मेकअप किया और शाम तक रखा। लेट मी नो हाउ यू लाइक माई मेकअप लुक, और अगर आप चाहोगे कि फर्दर ब्लॉग में मैं थोड़ा सा मेकअप करके रखूँ, थोड़ा सा ड्रेसअप होके रखूँ, बस ऐसे ही मूड चेयरअप करने के लिए, वही ना आज लाइक आस पास मूड बहुत ज़्यादा डाउन हो रखा है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ नेगेटिव चल रहा है, तो छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढने वाली बात है। तो आज मुझे अच्छा लगा ड्रेसअप होकर, थोड़ा सा लगे स्मार्ट लग रहा था। तो लेट मी नो अगर आप चाहोगे कि मैं और ड्रेस्ड अप रहूँ अपने आने वाले व्लॉग्स में, एंड आई सी यू गाइस टुमारो, बाय।